अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नल्ली नहारी। इसके लिए मैंने ये गोश्त लिया है, ये बोंग का गोश्त लिया है। इससे नहारी का मज़ा अच्छा आता है। ये ऐसे नल्ली ली है, ऐसा गोल बोटी लेने का, उसका नल्ली नहारी में उसका जो है टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और इसके लिए मैंने लिया है होममेड नल्ली नहारी मसाला। ये मैंने पहले अपने चैनल पर बना चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये प्याज है, ये हम तड़के के लिए बाद में यूज़ करेंगे। अभी हम एक कुकर में मैंने 2 चम्मच तेल लिया है, उसमें हम गोश्त डाल देंगे। गोश्त को 2 मिनट के लिए बस भूनेंगे, फिर इसमें नमक और अदरक लहसुन डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि हमारे नहारी के मसाले में मैंने पहले से ही नमक डाला हुआ है। और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। गोश्त को थोड़ा लाल करेंगे। गोश्त हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें जो मैंने होममेड नहारी मसाला बनाया था वो डालेंगे। मैंने इसमें 1/2 चम्मच से भी कम कश्मीरी पाउडर डाला है। आप ये तड़के के टाइम पे भी डाल सकते हैं और अभी भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें पानी डाल के 4 से 5 सीटी तक गोश्त को गला लेना है, तब तक अच्छे से बोटी गल ना जाए। ये 4 सीटी के बाद हमारा गोश्त ऐसा है। अब हम इसमें इसका जो है ये रोगन है ना, ये उतार लेंगे, तेल उतार लेंगे। फिर इसमें हम ये मैंने आटे को पानी से घोल के रखा है, ये इसमें डाल देंगे। तेल इसलिए उतारेंगे इसमें से ताकि ये आटा डालते हैं ना तो पूरा तेल उड़ जाता है, इसलिए जब सर्व करने के टाइम पे वो रोगन ऊपर से तेल ऊपर से डाल देंगे। ये रोगन निकाल लिया है मैंने। अब हम इसमें ये आटे का घोल हल्के हाथ से डालेंगे और एक हाथ से चलाते रहेंगे। ध्यान रखें इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं होना चाहिए आटे में। आप इसमें मैदा, आटा, बेसन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बिल्कुल उसमें गुठली नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से घोल अच्छे से बना होना चाहिए। अब हम इसको हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट पकाएंगे। ये हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है, ये देखिए। अब हम इसमें तड़का लगा देंगे। नल्ली नहारी बनके तैयार है, अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए हमारी नल्ली नहारी बनके तैयार है। अब हम इस पर हरी मिर्ची और अदरक कटा हुआ डाल देंगे और अब हम इसको नान के साथ खाएंगे।